HBO के शो सब हॉटस्टार पे नहीं है। हॉटस्टार तो खत्म हो गया ना। अजी घंटा, ये वो हर एक बंदा कहेगा जिसने मेरी तरह दिल से डिज्नी प्लस हॉटस्टार को चलाया है। हाँ मानता हूँ HBO का हॉटस्टार से जाना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, लेकिन हॉटस्टार सिर्फ HBO के भरोसे थोड़ी चल रहा था इतने सालों से। और अभी इंटरनेट पे ऐसे ही हवा हवा में बातें चल रही है कि जियो सिनेमा तो किल कर देगा हॉटस्टार को, हॉटस्टार खत्म। पर भाई मेरे, डिज्नी प्लस हॉटस्टार की इंग्लिश लाइब्रेरी को हिलाने में जियो सिनेमा खुद हिल जाएगा, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। भले ही अभी नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो का मार्केट शेयर 20% है और हॉटस्टार का 17% है, जियो कोई हॉटस्टार के बिल्कुल पीछे नहीं खड़ा है कि आसानी से हरा देगा। एक साल में नहीं, कुछ महीनों में नहीं, काफी टाइम लग जाएगा जियो सिनेमा को। HBO को अपने प्लेटफॉर्म पे लाना एक अच्छा स्टार्ट है, पर इनफ नहीं है। अब आप सोचोगे कि अगर वॉर्नर ब्रदर्स का सारा कंटेंट जियो सिनेमा पे आ जाए फिर तो काफी होना चाहिए, पर नहीं भाई मेरे, डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सुप्रीमेसी है इस प्लेटफॉर्म पे। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे भर भर के अच्छी इंग्लिश मूवीज हैं, कुछ हिंदी डब में अवेलेबल है, कुछ नहीं है। मैं लिस्ट बनाने निकला, ससुरी लिस्ट इतनी लंबी हो गई कि मैंने इसको डिवाइड करने का सोचा। आज की वीडियो में मैं 25 ऐसी मूवीज की बात कर रहा हूँ जो अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है लेकिन तुम्हें कभी मिलेंगी नहीं, क्योंकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार खुद उनको कभी प्रमोट नहीं करता, तो मैं सर्च करके ढूंढनी पड़ेगी। और मैं बताऊंगा ना क्या सर्च करना है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे क्या गोल्ड कंटेंट है उसके बारे में मैं कंटेंट बनाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। देखो ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है, ये वो मूवीज है जो शायद तुमने देखी हो पर शायद तुमने ना देखी हो। वैसे मैंने वो जनरली सिलेक्ट की है जो मासेस पे लोगों ने देखी नहीं, इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसलिए बस सुनते जाओ। फाइन स्टार्स, ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। न केवल इसकी स्टार कास्ट बहुत बड़ी और फेमस है पर ये मूवी जनरली काफी अच्छी है। आपको अपने क्रिस पाइन भैया देखने को मिल जाएंगे, बेन एफ्लेक के लिटरल भैया देखने को मिल जाएंगे। मूवी शिपरैक के सर्वाइवल के बारे में है, मतलब बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स, देख के मजा आ जाएगी। मैंने बहुत पहले देखी थी और आज भी देखता हूँ तो मजा आ जाती है। लव साइमंस, ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है और इसमें अपनी हैना बेकर प्ले करने वाली कैथरीन लैंगफोर्ड भी है, और इसकी मेन कास्ट में अपने साइमन भैया जिनको निक रॉबिन्सन प्ले करते हैं, और ये मूवी काफी अच्छी रोमांटिक मूवी है। वैसे तो ये गे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप मूवी है पर बिलीव मी ये यकी मूवी नहीं है जिसको तुमको देख के लगेगा यू ये, ऐसा कुछ नहीं है। मूवी एक्चुअली में बहुत ज्यादा प्यारी है और अच्छी स्टोरी टेलिंग है, तो इसको जरूर चेकआउट करो, सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। फिर आपने मैट डेमन की मार्शियन मूवी, ये तो आपने हिंदी में देखी होगी, नहीं देखी तो देखो, हिंदी डब किया है संकेत महात्रे सर ने और मस्त मूवी है, बहुत ज्यादा मस्त है, कमाल का वीएफएक्स है, शायद ही किसी ने देखी हो, अगर नहीं देखी तो देख लो जाके। इरफान खान सर की स्टारर लाइफ ऑफ पाई हिंदी में अवेलेबल है और भाई ये तो असली सिनेमा है सिनेमा। इसकी सिनेमेटोग्राफी देख के तो दुनिया बावड़ी हो गई थी, इसलिए इतने ज्यादा ऑस्कर्स भी जीत लिए और अपने बंगाल टाइगर तो है ही है मूवी में। इस चैनल पे मैं ये मूवी पहले भी सजेस्ट कर चुका हूँ क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट रोमकॉम मूवीज है जो मैंने देखी है, तो ये भी चेकआउट कर लो। बिजनेस क्लाउड, अब ये मूवी इसमें है मेडिसिन इजमैन, सबरीना कारपेंटर, फिन आर्गस, और ये मूवी कोविड का शिकार हो गई थी। इसने 2020 में रिलीज होना था लेकिन उस टाइम कोविड आ गया और डिज्नी प्लस लकीली अवेलेबल था, तो डिज्नी ने बोला इसको उठा के फेंक के मारो। अक्टूबर 2020 में रिलीज हुई थी डिज्नी प्लस हॉटस्टार। डिज्नी प्लस हॉटस्टार तब मार्च में रिलीज हो गया था इंडिया में, ना ही तब तक मार्वल का कोई शो आया था, ना ही अभी तक वहाँ पे लोग ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे, तो ये मूवी वहीं पे दबके रह गई। मैं कहूंगा बहुत अच्छी मूवी है, ये भी एक बायोपिक है, ये हंसाएगी रुलाएगी और बस रुलाएगी, तो इसको जरूर देखो, ये सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। ये रिसेंट में रिलीज हुई थी, इनका पूरा यूनिवर्स है, ये हिंदी में भी अवेलेबल है तो चेकआउट करो। द मेन्यू, ये भी रिसेंट में रिलीज हुई थी और काफी तगड़ी स्टार का मूवी की, और मूवी काफी ज्यादा थ्रिलिंग और एंटरटेनमेंट से भरी है। मेरे शब्द खत्म हो जाता है जब मूवी अच्छी होती है। ये मूवी के बारे में स्पॉइल नहीं करना चाहता, ये वीडियो उस बारे में है ही नहीं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, बहुत मस्त मूवी है, याद करोगे बाद। रेड स्पैरो, अब ये तो बा कमाल मूवी है और हॉटस्टार पे हाईलाइट भी होती रहती है। जेनिफर मोमी की ये मूवी है और क्या शानदार एक्टिंग की है बंदी ने। उसके अलावा ये स्पाई यूनिवर्स को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है, आपको काफी थ्रिलिंग और रियलिस्टिक स्पाई टेल देखने को मिलती है, मजा आ जाती है। मिला कुनिस और नैटली पोर्टमैन की एक और क्वालिटेटिव मूवी ब्लैक स्वान, ये मूवी सिंपल से भरी पड़ी है और काफी छोटी मूवी है, जल्दी खत्म हो जाती है पर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है कि चल क्या रहा है, और एंड तक आपको सब समझ आ जाएगा मजे के साथ, अच्छी मूवी है चेकआउट करो। एनिमेशन में आप यूपी अप मूवी को हिंदी में देख सकते हो, रो दोगे देख के, मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बस देखो, मस्ट रिकमेंडेड बिकॉज इट्स मस्ट वॉच। नाइटमेयर एली, ये भी रिसेंट में रिलीज हुई है, थोड़ी स्लो चलती है पर काफी मस्त मूवी है। सच स्टोरी एक ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी है जो की काफी मस्त है, थोड़ी लंबी है 3 घंटे की और एक म्यूजिकल मूवी है, मजा आती रहती है, ऐसा लगता है कि आप
थिएटर देख रहे हो, समझ रहे हो, कोई नाटक देख रहे हो। फ्री गाय मूवी जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है और अपने मस्त रियान रेनॉल्ड्स भैया की है। जितनी भी एनिमेशन मूवीज मैंने देखी है उनमें से वन ऑफ द बेस्ट। ये हिंदी में भी अवेलेबल है और हर बात पे क्वालिटेटिव है, तो जाके चेकआउट करो। उसके बाद सोल मूवी, ये तो तुम्हारी आत्मा को छू लेती है ऐसी मूवी है। उसका विनिंग नॉर्मन लैंड इंग्लिश में अवेलेबल है। उसके अलावा डिज्नी की जंगल क्रूज और क्रुएला ये भी हिंदी में अवेलेबल है। किंग्समैन की सारी सीरीज आप चेकआउट कर सकते हो, वो भी हिंदी में अवेलेबल है। और स्टार पर जो नई वाली आई है वो भी मस्त है। मर्डर ऑन द ओरिएंटेड एक्सप्रेस एक मस्त क्राइम थ्रिलर मूवी है और इसका सीक्वल डेथ ऑन द नाइल भी अवेलेबल है हिंदी में हॉटस्टार पर। ब्लैक ब्यूटी एक लाइफ डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ मूवी है, घोड़े पे जिसको आवाज दी है केट विंसलेट ने। टर्निंग रेड ये पिछले साल की रिलीज हुई हिंदी में अवेलेबल मूवी है, एनिमेशन है और काफी मस्त है। पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा ये ज्यादा अच्छी है। और सबसे आखिर में माउंटेन बिटवीन अस, ये मूवी तो दिल के काफी ज्यादा करीब है। केट विंसलेट और एड्रिस एल्बा की ये सर्वाइवल वाली मूवी है जो काफी अच्छा थ्रिल्स भी देती है और दोनों के बीच जो बॉन्डिंग बनती है सारी जर्नी में वो काफी ज्यादा हार्टफेल्ट है। बस भाई आज की वीडियो में इतनी ही मूवीज, अभी खोदने निकलूंगा तो भर भर के क्वालिटी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। यकीन मानो आधी से ज्यादा अच्छी मूवीज के सजेशन तो अभी तक मैंने दिए भी नहीं। अगर चाहते हो तो मैं मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। आप हमारी जियो सिनेमा और एचबीओ के रिगार्डिंग जो वीडियोस है आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। पर जियो सिनेमा को छोड़ो, उनका दबदबा भी इतना भी नहीं है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार को सीधी टक्कर दे पाए। बाकी कमेंट्स में बताओ यार कौन कौन सी मूवी तुमने देख रखी है और कौन कौन सी मूवी देखने जा रहे हो इस वीडियो के बाद।